नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। अब जैसे कि यहाँ थंबनेल देख रहे हैं आप लोग कि भाई यहाँ पे दो फोटो लगी हुई है, सर इसका क्या मतलब है? तो इन फोटो का मतलब क्या है ये बता दीजिए। पहले तो ये फोटो देख लीजिए, एक ये फोटो, ये है फोटो। फिर से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 इंटरव्यू तक पहुँचे उम्मीदवारों को झटका। इसके बाद एक वीडियो देखिए आप कि इसमें जो MPPSC के अधिकारी है या फिर जो भी है सचिव, वो क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है? फिर उसके बाद अपन ये जो कटिंग है इसके ऊपर भी बात करेंगे अपन, है ना? तो ये सुनिए पहले आप वीडियो। तो जैसा कि आपने ये वीडियो सुना, इसमें मैडम बोल रही हैं कि 2019 में जो चीज़ें फंसी हुई है वो ये है कि मेन जो इशू है वो इंटरव्यू वालों का है, इसमें जो बात हुई है। तो मैडम का और सर का कहना ये है कि जो आयोग होता है, किसी प्रकार का भी आयोग है, वो काम हमेशा भविष्य के लिए करता है, पास्ट में आकर नहीं करता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है, कई लोग फेल हो चुके हैं अपनी गलतियों की वजह से और कई लोग अपनी मेहनत की वजह से पास हुए हैं, है ना? तो जो पास हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ऑलरेडी कहा जा चुका है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ये है कि जो रिजल्ट है वो रिवाइज्ड होगा, मतलब किसका? प्रीलिम्स का रिवाइज्ड होगा। उसमें कई लोग रोस्टर की वजह से क्या हुआ, कई लोग बाहर हो गए थे, ठीक है? तो रोस्टर जो कमलनाथ ने लाया था वो उसकी वजह से का नुकसान कई कैटेगरी वालों को हुआ है, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हुई है ना, तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी के 70 मार्क्स थे अदर कैटेगरी में जनरल को छोड़ के, तो वो रोस्टर की वजह से इसमें फेल हो गया था। अब वो फेल हो गया तो क्या होगा कि जो रोस्टर हटने के बाद जो नया नियम है 2015 का जो नियम है, उसके हिसाब से ये जो होगा इसका कट ऑफ हो सकता है कि नीचे आ जाए, ये 68-69 हो जाए, अदर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। तो हर एक कैटेगरी में एक एक दो दो क्वेश्चन कम होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से वो इंटर होंगे। अब ये इंटर होंगे तो ऑलरेडी जो 10,770 कुछ लोगों का मेंस हुआ था, तो इसमें से 1918 लोग पास हुए, बाकी फेल हो गए, ठीक? अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो कट ऑफ नीचे आएगा रोस्टर के बाद और ये सब चीज़ें हो करके रिवाइज होगा रिजल्ट, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर लगभग 1,500 से 2,000 लोग और आने की संभावना होगी, लगभग, इससे भी कम भी हो सकते हैं ना। तो इनको एडिशनल मेंस मिलेगा। अब मैडम ने बोला है कि भाई जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम कराया जाता है तो एक्सपेंडिचर बहुत लगता है, उसमें कोई फ्री में तो हो नहीं जाता चीज़ें, और कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे ये चीज़ें हुई है, मतलब कि ना सिर्फ कर्मचारी से लेकर के बच्चे से लेकर के बहुत लोगों ने अपनी जान भी दी है इस चीज़ में। तो आप ये बताइए कि जिन्होंने अपने जान जोखिम में डाल करके पेपर लिए, पेपर दिए, कई लोग पास हुए, तो वो लोग क्या मूर्ख है कि वो अपने मेहनत करके पास हो गए, या फिर वो लोग मूर्ख है जो लोग फेल होने के बाद फिर से बोल रहे हैं कि फिर से मेंस करवाइए? तो ये कतई नहीं होने वाला है कि जो लोग फेल हो गए वो लोग इस सपने में मुगालते में बिल्कुल ना बैठे कि आप दोबारा मेंस होने वाला है आपका, और आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं तो फेल हो करके आप उसमें सुधार करके मेंस क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन आप इस मुगालते में बैठे हैं कि नहीं हमारा फिर से मेंस हो जाएगा वही वाला, तो ये तो आपकी भरी मूर्खता है। इससे कुछ हासिल नहीं होना है, फिर से फेल हो जाओगे, अगर हो भी गया तो फिर से फेल हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। अगर तुम लोग सत्य के साथ नहीं खड़े हो तो तुम असत्य के साथ ही खड़े नजर आओगे, और असत्य के साथ जो खड़ा व्यक्ति है वो हमेशा कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता और ना ही वो सही कुछ पा पाता है। तो आप इतनी मूर्खता वाली चीज़ें ना करें, ठीक है? और बात की जाए ये जो कटिंग है, इसमें कई लोगों ने बोला है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक का नाम, तो ये पेपर की कटिंग इन्होंने वहाँ डाली थी, कहाँ पर? फेसबुक पे डाली है, कई ग्रुप में डाली है कि ऐसा हो जाएगा, हमने ऐसा बोला था ऐसा हो जाएगा, 2019 का प्रीलिम्स मेंस फिर से हो जाएगा। तो ये इन्होंने जीवन में कभी मेंस दिया नहीं और इनका मेंस कभी पास हुआ नहीं, कभी इंटरव्यू तक ये पहुँचे नहीं। एक दो ग्वालियर की भी कोचिंग है, ठीक है, जो जिनकी बुक आती है उनने भी यही चीज़ डाली कि मेंस फिर से हुआ। क्यों डाली, उसका कारण क्या है? अब बात क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मैं कि भाई अगर 2019 का मेंस होता है तो इसमें क्या होगा,
ये जो धंधा चला रहे हैं कोचिंग वाले और जो बुक बुक वाले है, तो ये बुक वाला बुक छापेगा अपनी कि हमारे ले लो हमारे ले लो, और 5 दिन पहले बुक छाप के पेपर हो जाता है, उसके बाद एक दिन बोलते हैं कि देखो हमारे बुक से सारे क्वेश्चन आ गए, पहले कहाँ बैठे थे भाई तुम। तो ये रातों रात हिंदी कंटेंट टाइपर वाले को फट से फट बुक में डालवा दिया जाता है, पेपर को एड किया जाता है, नंबर पेज नंबर बदलवाया जाता है, और सुबह सुबह एक PDF डाल दी जाती है, बोल देते हैं कि हमारे इससे आ गया। ठीक है, तो अगर आ गया तो तुम्हारी कोचिंग से पूरे क्यों नहीं बन जाते, तुम भी तो कोचिंग चलाते हो, तुम्हारे कोचिंग से क्यों नहीं सारे बनते, बाकी बच्चे क्यों बन रहे हैं, जो लोग गरीब है, जो गरीब अवस्था में रह रहे हैं, जिनके यहाँ लाइट नहीं है, मकान नहीं है, आवास नहीं है, तब भी वे पास हो रहे हैं और अपनी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तुम अब ये बकवास कर रहे हो कि मेंस फिर से होगा। फिर उसके बाद ये कई लोग अब इसके बाद क्या है कि टेस्ट सीरीज जो बिकने का जो धंधा है, अब कई लोग टेस्ट सीरीज लेते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जो लोग नए रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो कई लोग ये जो कोचिंग माफिया है, ये लोग मैसेज भेजते हैं कि आपका मेंस हो गया है, फॉर्म भर दीजिए, ये कर दीजिए, फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज ले लीजिए, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 8,000, 10,000, ये धंधा है इन लोगों का। इनकी कोचिंग से अक्सर 1 से 2 या 5 से 7 लोग पास होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पास नहीं होता। नहीं तो इन्हीं की कोचिंग में जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, इनके जो बच्चे होते हैं 85 से 90-95 तक के इनके क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी इनके जो मेंस में मार्क्स होते हैं 800 से लेकर 900 तक भेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इन्हीं की कोचिंग के बच्चे हैं। अदर जो बच्चे होते हैं, जो लोग इसमें टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो बच्चे ने 1.5 लाख से 2 लाख फीस दिया उसको मार्क्स अच्छे से देंगे, और बाकी लोग जो नए हैं जिन्होंने इनके कोच में पढ़ते ही नहीं है, ये उनको नेगेटिव मार्क देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, और फिर ये बोलेगा कि यार मेरे से तो ना हो पाएगा कुछ ऐसा वैसा, और फिर ये धीरे से आपको बोलते हैं कि देखिए ऐसे आराम से नहीं हो पाता है, मेंस बहुत ये चीज़ होती है, आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप हो पाएगा। मतलब ये भूखे नंगे हैं, इनको 2 लाख रुपये चाहिए। ठीक है, 2 लाख रुपए दे दीजिए तो फिर आप इनको 800 नंबर तक दिख जाएंगे, आपको ये आपके जो टेस्ट से होगा उसमें दे देंगे लोग। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग है जिसके ऊपर अभी 400-500 करोड़ का टैक्स का वो भी पड़ा था, आपने देखा होगा, इंदौर में बहुत है जिनके नाम बड़े दर्शन छोटे ही है। ठीक है, और ऐसे भोपाल में भी कई बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों में कई लोग ने सेल्फ स्टडी के दम पर भी निकाला है। तो जो सेल्फ स्टडी के दम पर निकालता है उसको खुली छूट रहती है लोगों के आलोचना करने की, क्योंकि उसको पता है ना ये सब फालतू की बातें करते हैं, सिर्फ ये धंधा चला रहे हैं। ठीक है, तो आपको धंधे में अगर आना है, आप अगर इनके शिकार होना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए, शौक से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आप लोग अपना अगर शिकार करवाना चाहते हो करवा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी के हम लोग हित में ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो पैसा आपके पिताजी माताजी ने जो कमाया उसकी बहुत कीमत होती है, बहुत वैल्यू होती है। एक पिताजी आपके पीछे अगर 2 लाख रुपए लगा रहा है, उसका आउटपुट नहीं आता है, आउटपुट कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोचिंग में सिर्फ टाइम पास करवाते, कुछ होता नहीं है इनके यहाँ, आप खुद ही रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर किसी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ने अगर पास भी हुआ है ना, अगर उसका अच्छा स्कोर भी आया, तो ये लोग पैसा दे देते हैं उसको, 50-60-70 हज़ार 1-2 लाख रुपये बोल देते हैं, सर हमारी कोचिंग का नाम ले लीजिए, हमारी बुक का नाम ले लीजिए। तो ये इस प्रकार का धंधा चल रहा है, टोटल धंधे के ऊपर ही चल रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है बहुत पहले से। ठीक है, तो आप लोग को अपने विवेक का यूज़ कीजिए कि ये जो लोग बोल रहे हैं बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कई है ऐसे जो MPPSC के नाम से जो फेसबुक पर ग्रुप चलाते हैं, ये महामूर्ख लोग हैं, तो इन लोगों की बातों में ना है अपना जीवन बर्बाद ना करें, और ये इस मुकालते में ना बैठे कि 2019 का मेंस फिर से हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप लोग क्या करें कि भाई मेंस के लिए नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग करते नहीं आती है तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ऐसे लोगों से ना जुड़े जो लोग पास ही नहीं हुए जीवन में कभी, जिन्होंने मेंस नहीं दिया, जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, ये लोग दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, और फिर तीसरे लोगों से, चौथे लोगों से, लड़कों से कॉपी चेक करवाते हैं, जो लोग मेंस दे के आए उन लोगों से कॉपी चेक करवाते हैं, इन्होंने जीवन में कुछ खुद ही इंटरव्यू फेस नहीं किया कभी, ये लोग ऐसी बातें करते रहते, तो इन लोगों से तो बिल्कुल ना जुड़े। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मेरा एक अपना ओपिनियन रखने का है तो ओपिनियन रख रहा हूँ आप लोग के सामने, आप लोग अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई लोगों ने ऐसा ग्रुप में डाला और फेसबुक ग्रुप में और यूट्यूब में ये सब चलाया कि ये फिर से मुख्य परीक्षा होगी, जो कि होना ही नहीं है। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो भविष्य में कुछ हो सकता है आपका, अन्यथा नहीं हो पाएगा, इस बेवकूफ़ में रहेंगे। और ये अटक नाम का जो बच्चा है, ये इसका जिसका प्रीलिम्स भी कभी नहीं निकला, मेंस भी कभी नहीं निकला, और वो निकलेगा भी नहीं शायद, नेतागिरी में है, नेतागिरी के नाम पर वो सोच रहा है कि उसका नाम हो जाएगा, फिर धीरे से विधायकी में आ जाएगा, या इस टाइप की चीज़ें सोच रहा है, वो पार्षद बनने लायक है, सरपंच बनने लायक भी नहीं है वैसे तो, प्यून बन सकता है लेकिन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग ये सोचिए कि ऐसे लोगों के चक्कर में आप आकर के इनको जो लॉलीपॉप ये लोग आपको दे रहे हैं, अगर ये लॉलीपॉप में आप लोग आ जाएंगे और फिर आप लोग फंस जाएंगे, और फिर आप लोग ये सोचेंगे कि इसमें क्या होगा, आपका 2-3-4 महीना ख़राब हो जाएगा,
ये 3 महीने में आप लोग क्या कर सकते थे, मेंस का नोट्स बना सकते थे, मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसको आप लोग देख सकते थे, कौन सी बुक की ज़रूरत है, कहाँ से कंटेंट लेना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, कैसे 800 नंबर लाए जा सकते हैं, कैसे हम अपना सपना पूरा करें कि DSP या DC या फिर NAP तहसीलदार जो भी आपका सपना है वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते थे। इस बीच में आप अपना चेतना का लेवल बढ़ा सकते थे, आप अपनी तैयारी में बहुत चार चांद लगा सकते थे, लेकिन आप किन लोगों के पीछे रहे, जो लोग फेल है उन लोगों के पीछे आप चलते रहे भीड़ बन करके, कि आप ये सोच कर रहे कि शायद हमारे को फिर से मिल जाएगा। तो ये मैं आपके हित में ही बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसी चीज़ों में ना फंसे, आपके भविष्य की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बिना मेहनत के इस प्रकार की असंवैधानिक बात करके चीज़ें नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, जो 16 तारीख को उन्हें ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई 50% प्लस तो होगा ही नहीं रिजर्वेशन, ठीक है, तो जब नहीं होगा तो भाई जो 14% है उसके हिसाब से काम होना है, 13% बच्चे, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गए थे। इसके बाद अब जो रोस्टर वाला हटेगा 2015 का नियम है उसके हिसाब से आपको फिर ये एडिशनल कुछ लोग आएंगे, जब एडिशनल आएंगे तो बहुत सारी जगह पर एडिशनल मेंस हो चुका है ऑलरेडी अलग अलग राज्यों में। अब कुछ लोग यहाँ पे मणिपुर के राज्य का देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी नकल हुई है और बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से हुई है, तो उस प्रकार से वहाँ पर वो करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सबने अपनी मेहनत से किया, ठीक है। तो आप लोग इस बेवकूफ़ी में ना रहें, बहुत ज़्यादा सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो लोग अपने आप को बताते कुछ और है, वो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, ऐसे लोगों से बचिए, अपना विवेक का यूज़ कीजिए। आप अगर